दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में तीन इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी और यूनिट सेकंड की जो सीरीज है आज की वीडियो में हम तीन नियम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला रहेगा फाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा रहेगा हमारा हुंड का नियम और तीसरा जो रहेगा हमारा एन प्लस एल का नियम। ये मेरे भाई तीन नियम है जो एक इंपॉर्टेंट नियम है और आपकी केमिस्ट्री को सुधार ही करेंगे, आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग ही करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से इनको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और मेरे भाई कंटिन्यू आप पूरी वीडियो को देखना है। आपका मेरा ये वादा है आपसे कि ये पूरा सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा है पाउली का अपवर्जन नियम। मेरे भाई हल्का सा ये एक लाइन का नियम है, ठीक है। पहले हम समझते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं जो पाउली है, पाउली एक वैज्ञानिक है, ठीक है। और अपवर्जन, अपवर्जन का मतलब होता है अलग अलग। जो अपवर्जन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, अलग और अलग, ठीक है। तो अब पाउली का अलग अलग का नियम, ये पाउली का अलग अलग का नियम किसके लिए है? तो ये पाउली का अलग अलग का जो नियम है वो क्वांटम संख्या के लिए है। किसके लिए है? क्वांटम संख्या, मतलब ये जो नियम है वो हमें ये बताता है कि कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। कोई भी आपका परमाणु होगा, यदि उस परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निकालें तो वो क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती, कभी भी वो समान नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं मेरे भाई, हमारे पास देखो, पहले आपको नियम पढ़ के बता दे रहा हूं, किसी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, ये नियम कहता है, ठीक है। और अपवर्जन लिखा है तो वैसे भी अपवर्जन का मतलब होता है अलग अलग, और ये किसके बारे में अलग अलग की बात करता है? क्वांटम संख्याओं के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे भाई हमने लिख दिया है 1s2, हमने लिख दिया है 1s2। अब हमें पता है जो s है वो पहली कक्षा का, क्योंकि आगे 1 लगा है, तो मतलब 1s मतलब पहली कक्षा का आपका s है, ठीक है। अब s तो आपको पता है ऑफकोर्स है, और कक्षा आपको पता चल गई कौन सी है, पहली, ठीक है। और इस s में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दो, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, ठीक है। तो आइए पहले हम 1s2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1, और आपका जो s है वो s कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है, और s में एक ही कक्षक होता है, आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की ओर होता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका नीचे की ओर होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की क्वांटम संख्याएं देखना है। अगर दोनों की क्वांटम संख्याएं अलग अलग हैं तो मान लेंगे कि नियम सिद्ध है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हम मेरे भाई पहले पहले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या देखते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो देखो आप पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एन भी होगा, एल भी होगा, एम भी होगा और आपका एस भी होगा, ठीक है। अब एन कक्षा के बारे में बताता है, तो कक्षा देखो बन लगा है, मतलब कक्षा कौन सी आपकी, पहली, तो एन का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। एल ऑफकोर्स के बारे में बताता है, तो ऑफकोर्स आपका क्या है, एस, और एस ऑफकोर्स के लिए एल का मान आपको पता दिया था, क्वांटम संख्या में पढ़ा था, तो कितना था आपका, जीरो। एस के लिए क्या था, जीरो। अब एल का मान जीरो है तो एम का मान भी कितना आता था, जीरो आता था, ठीक है। अब एस तो आपका पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा है, और पहला इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की ओर है, पहला इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की ओर है। जब जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की ओर होता था, हमने आपको समझाया था, तो जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की ओर होता था तो एस का मान कितना था, +1/2 होता था, और नीचे की ओर जब होता था तो कितना होता था, -1/2। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हमने निकाल ली, अब इससे तुलना नहीं होगी, पहले हमें क्या करना होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटम संख्याएं पता करना होगी, क्योंकि इसने तो बोला था कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो अब हम निकालेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। चलो अब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो N, ठीक है, L आपका, M और ये आपका S, ठीक है। चलो तो N का मान, कक्षा तो आपकी पहली है क्योंकि आपका ऑफकोर्स यही है, और इसी में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा है, ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी बात कर ली, अब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तो इसका ही है, तो कक्षा तो आपकी पहली होगी, S है
एस है तो एस के लिए जीरो तो हो गई होगा एल का मान, ठीक है। अब एम एल का मान जीरो है तो एम का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। अब एस तो ये नीचे की ओर है, देखो ये ऊपर की ओर था तो प्लस वन अपॉइंट टू लिखा था, अब ये नीचे की ओर होता है तो माइनस वन अपॉइंट टू। तो देखो मेरे भाई ये वाली समान है, ये वाली समान है, ये वाली समान है, लेकिन ये जो है ना वो समान नहीं है, नहीं है मतलब कह सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान होंगी नहीं। और ये जो ना पाउली नामक वैज्ञानिक रहे, हर एक परमाणु के लिए ये बात सिद्ध की। ऐसे नहीं होता कि कोई एक दो परमाणु के लिए बात करके और नियम दे दिया, नहीं, सभी के लिए पहले चेक किया जाता है और इसके बाद होता है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, चलो इसके बाद हम और भी समझाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, और हमारे पास लिखा है 2s1, क्या लिखा है 2s1, और ये हमने लिख दिया है 2p1। एक ही परमाणु था और उस परमाणु के लिए हमने 2s1 और 2p1 लिख दिया था। अब हमें इस 2s1 और 2p1 में मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों की क्वांटम संख्याएं हमें निकालना है। अगर देखते हैं कि ये समान आ रही हैं या नहीं, ठीक है, तो 2s1 में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप 2s1 में देखेंगे, ठीक है, तो 2s1 में, ठीक है, एन एल एम और एस, ठीक है। तो देखो 2s1 में देखो तो 2s1 लिखा है, मतलब आपका जो s है वो कौन सी कक्षा का है, s आपका कौन सी कक्षा का है जल्दी से बता दो मेरे भाई। s आपका दूसरी कक्षा, क्योंकि यहाँ पर आगे कितना लगा है, दो, तो n का मान कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। l, अब l s है तो s के लिए आपका जो l होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, ठीक है, s के लिए जीरो होता है। अब l का मान जीरो है तो m का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। अब 2s1, ठीक है, एस वन बना लो, सॉरी एस बना लो, एस ऐसे ही बनता है एक कक्षा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो जो एस है, एस का मान कितना होगा, प्लस वन अपॉइंट टू, क्योंकि ऊपर की ओर तो प्लस वन अपॉइंट टू होता है। तो इसके लिए जो 2s1 के लिए जो क्वांटम संख्या है वो निकल के आ गई आपकी ये, ठीक है। अब 2p1 के लिए और आपको चेक करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 2p1, ठीक है, तो 2p1 बना लें, जरा बना लो। p में कितने कक्षक होते हैं, p में तीन कक्षक होते हैं, ठीक है, तो ये तीन कक्षक बना लिए और 2, और ये आपका p है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर p में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही रहेगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। चलो अब n, अब n का मान कितना होने वाला है, क्योंकि दूसरी कक्षा का p है, क्योंकि 2 लगा है तो 2 होने वाला है, ठीक है। चलो l, अब p के लिए आपका जो l है वो कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बता दिया क्वांटम संख्या में। अब m, तो m का मान कितना होगा, माइनस, देखो अब l का मान 1 है तो m का मान जो है l पे डिपेंड करता है, जो होता है -1 से +1, ठीक है। अब ये 1 है तो -1 से +1 होता है, तो ये -1, -1 के बाद कौन आएगा, 0, और ये आपका +1, ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे ही होता है, क्वांटम संख्या आपने सीख ली है, मैंने सिखा दी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो -1 से +1 होता है m का मान, है ना, मतलब देखो ऐसा होता है m बराबर -l से +l, है ना। अब यहाँ पर 0 था तो -0 से +0 मतलब 0 ही आता, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 रख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 है तो -l से +l मतलब 1 रखेंगे तो -1 से +1, तो यही आएगा ना, -1 0 और +1, ठीक है। चलो तो m का मान, m का मान है, देखो हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसके लिए m का मान कितना है, -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। अब s, तो s s इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की ओर है तो आपका आ जाएगा +1/2, ठीक है। तो दो भी समान है, ये दो समान है, ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, ये भी समान, सॉरी ये समान है, ठीक है। तो दो समान है, दो समान नहीं है, तो बिल्कुल हमेशा आप देखोगे दोस्तों, अगर तीन भी समान होंगी तो चौथी समान नहीं होगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई जो आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। आप चेक कर लेना, निकाल लेना, आपको क्वांटम संख्याओं भी आता है और हर कुछ आता है, आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका फाउली का अपवर्जन नियम हुआ, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, तो मेरे भाई अगला जो हमारा नियम है वो है हुंड का नियम, ठीक है। चलो हुंड नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था, और ये हुंड नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम क्यों दिया था, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उपकोशों में कैसे भराए जाते हैं इसको बताने के लिए हुंड नामक वैज्ञानिक ने अपना ये नियम दिया था, ठीक है, आइए समझते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था इस नियम के अनुसार एक ही उपकोश, उपकोश आपको पता है कितने होते हैं, चार होते हैं, एस, पी
डी और एफ, ये चार उपकोष होते हैं। इन्होंने बोला था एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में, मतलब उपकोष के पास कक्षक होते हैं, एस के पास एक कक्षक, पी के पास तीन, डी के पास पांच और एफ के पास कितने कक्षक होते हैं, सात। ठीक है, सभी कक्षकों में पहले एक-एक करके इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। जो आपके कक्षक होते हैं एस पी डी एफ, इनमें आप इनके कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले आपको क्या करना है, एक-एक करके इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, कैसे भरना है वो आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और यदि अब इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और यदि अब इलेक्ट्रॉन एक एक भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। युग्मन का मतलब उन इलेक्ट्रॉन जो आपने एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अब एक को आप डबल कर दोगे, क्योंकि एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है। पहले एक एक भरोगे और फिर उसका डबल करोगे। ठीक है, कैसे करना है वो आप समझ लो। ठीक है, जैसे आप देखो इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक मेरे भाई कितना होता है, सात। कितना होता है, सात। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सात होता है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप बाहू नियम से, तो क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, 2s2, ओके, और 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन है, सात ही थे, दो चार और तीन सात, भरा चुके हैं। अब इनके कक्षकों में आपको ये जो आपके उपकोष दिख रहे हैं एस एस पी, इनके कक्षकों में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, चलो एस में कितने कक्षक होते हैं, एक ही कक्षक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें भी एक कक्षक होता है, और पी जो होता है उसमें तीन कक्षक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले कक्षक बना ली। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। ठीक है, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षक है, तो पहले एक ऊपर को भर दो और जो दूसरा है वो नीचे को भर दो। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर को और एक नीचे। अब जो जो बात है ना, बात ये जो है वो इसमें आएगी समझ में, क्योंकि इसमें एक कक्षक था तो समझ में नहीं आया था, इसमें आएगी बात समझ में। कैसे, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। तो ऐसे नहीं करना कि एक दो और ये तीन, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। इनने क्या बोला था, पहले आप सभी कक्षकों में, जितने भी कक्षक हैं, तीन कक्षक है इसमें, तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है पहले, है ना। ऐसे नहीं भरना है आपको, कैसे करना है, पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तीन, तो एक इसमें भर दो, एक इसमें भर दो, एक इसमें भर दो, एक एक, समझ में, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और यदि अब इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप जो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे इनका डबल करोगे, लेकिन भाई इसमें तो तीन ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचे, तो इनका हम डबल नहीं करेंगे। समझ में आया। और देखो आप और एग्जाम्पल में और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया मेरे भाई फ्लोरीन, क्या लिख दिया, फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और ये आपका 2p5, पांच और चार नौ। ठीक है, चलो एस ऐसे ही बनता है, दो इलेक्ट्रॉन है आपके डायरेक्ट भरा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट भरा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है इसकी, देखो इसमें आपको समझना है। ठीक है, कितने कक्षक है इसमें, तीन। कितने कक्षक, तीन, तो पांच इलेक्ट्रॉन है, पहले आपको एक एक भरना है, मतलब एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, समझ में आया, एक एक भरना है, ना कि आपको एक दो तीन चार पांच ऐसे भरना, ऐसे नहीं भरना, ये गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, क्लियर, एक एक भर दिया। अब क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सर अभी तीन ही भराए, इसमें पांच हैं, दो बचे हैं। अब जो बचे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन का क्या करो, आप डबल करो, डबल ना आपको यहीं से करना है, इस तरफ से, ना कि इस तरफ। दो बचे हैं तो डबल करो, तो एक ऊपर की ओर है, दूसरा डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो ये अपने हो गए टोटल पांच इलेक्ट्रॉन, दो चार और एक, क्लियर हुआ। ऐसे आपको करना है, और भी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, समझो आप। जैसे आपका लिखा है कैल्शियम, अब थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ। ठीक है, कैल्शियम लिखा है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, यहां पर कर दूं 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3s2, और आपका ये हो गया, देखो कितने हो गए, 10, 2, 12, है ना, 3s2 हो गया, और आपका ये 3p6 और ये आपका 4s2, ये हो गया। ओके, चलो तो इन चीजों में तो आप समझ जाओगे, जैसे आपका एस है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर दोगे, ये भी एस है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर दोगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, कितने, छह, और आपके कक्षक कितने होते हैं, पी के पास तीन होते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, एक एक एक, फिर
आपका जो बचे 3 है तो इनका आप डबल करोगे इस टाइप से, ठीक है। एस का 2 है, डायरेक्ट भर दोगे, ठीक है। इसके कितने हैं आप, 6 हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक 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 भरोगे, फिर इनका आप डबल करोगे। समझ में आपको आया? तो इस टाइप से मेरे भाई, इसमें तो ऐसी है तो 2 1 2, ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसे करना है। अब मेरे भाई अगर आपके पास लिखा है 3D9, 3D9, अब डी का भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है डी में कितनी कक्षा होती है, 5, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, तो 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक 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 एक, फिर आप क्या करोगे, बचे 4, तो आप इनका डबल, ठीक है। ऐसे समझ में आपको आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई ये हमारा हुंड का नियम हो गया क्लियर, आई होप कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कहीं कहीं बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। आपको ध्यान रखना है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आपको डबल करना, ओके मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही, और हमारा जो एक N+L का नियम रह गया है जिसको हम आज नहीं कर रहे हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और कोई नया टॉपिक भी उसके साथ हम करा देंगे, ठीक है। आबाहु नियम पढ़ा था, उसके अब बात पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, और उसके साथ हम N+ का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई दिल से वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए वीडियो। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।